नमस्कार इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स ओके तो मल्टी मीडिया ऑथरिंग टूल्स होता क्या है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा ठीक है तो पहला हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स क्या होता है फिर उसके फीचर्स भी देखेंगे ओके okay? तो मल्टी मीडिया ऑथरिंग टूल्स एक तरीके का कह सकते हो फ्रेमवर्क है फ्रेमवर्क मीन्स एक प्लेटफॉर्म है या एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम करते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए ठीक है तो ये एक प्लेटफॉर्म है एक सॉफ्टवेयर है तो इसके अंदर कई सारे टूल्स होंगे एलिमेंट्स होंगे जो कि हमें हेल्प करेंगे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए ओके okay? तो पहला हमारा जो पॉइंट है यही डिस्क्राइब कर रहा है कि मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स प्रोवाइड दी फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एडिटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड इन्वाट फॉर कंबाइनिंग दी कंटेंट एंड फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट ओके तो

हमें ऑथराइज करता है ये सॉफ्टवेयर कि हम कई सारे मल्टीमीडिया एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि ग्राफिक्स हो गया ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन इन सबको कंबाइन करके एक इंटरेक्टिव अट्रैक्टिव टाइप का प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं ओके फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है ऑथराइजिंग सिस्टम इंक्लूड एडिटिंग टूल्स टू क्रिएट एडिट एंड कन्वर्ट मल्टीमीडिया एलिमेंट्स सच एज एनिमेशन और वीडियो क्लिप ओके तो हमें ये एडिटिंग टूल्स प्रोवाइड करता है ताकि हम कैसे परफॉर्मेंस कई सारे डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके जैसे क्रिएट कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं या कन्वर्ट करते कर सकते हैं अपने मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को एनिमेशन शो वीडियो क्लिप या वीडियो क्लिप से डिफरेंट टाइप के मूवीज के फॉर्म में ओके okay? और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है ऑथराइजिंग ऑथराइजेशन द ऑथराइजेशन डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ फॉर मल्टीमीडिया इन्वॉल्व स्टोरी बोर्डिंग एंड फ्लो चार्टिंग ओके तो इसमें एक दो फीचर्स और भी होते हैं कि स्टोरी बोर्डिंग मतलब स्टोरी टाइप की छोटी सी प्रेजेंटेशन बना सकते हो या फ्लो चार्ट बना सकते हो ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है या जो हमारा प्रोजेक्ट है उसे हम किसी को अगर समझाना चाहें विजुअल फॉर्म में तो हम उसे समझा सके ओके okay? फीचर्स uh, की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है ऑथराइजिंग टूल्स तो जो हमने पाँच पॉइंट डिस्कस किया सिर्फ उन्हीं फीचर्स को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि एडिटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग फीचर्स प्रोवाइड करता है इंटरेक्टिव फीचर्स प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस टर्निंग ट्यूनिंग एंड प्लेबैक फीचर्स डिलीवरी क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड इंटरनेट प्ले बिल्डिंग प्लेबिलिटी फीचर्स ओके तो ये सब कुछ कॉमन फीचर्स है चार पांच जो कि ये प्रोवाइड करता है होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ऑथरिंग टूल एक्चुअल में है क्या तो मल्टी मीडिया ऑथरिंग टूल्स सिंपल सा है, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने मल्टी मीडिया प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं हो आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब दैनल थैंक यू